नमस्कार दोस्तों, आज 25 नवंबर और इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए 4 स्टॉक्स को जिसमें आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर यूएस मार्केट को देखा जाए तो डाउ जोन्स और S&P 500 में एक मार्जिनल डाउनसाइड को देखा जा सकता है, जिसके वजह से कल यहाँ पे निफ्टी 50 यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी के लिए इसके फ्यूचर लेवल्स में थोड़ा सा अपसाइड देखा जा सकता है। तो कल ये आपको 12,900 के ऊपर ओपन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। एडीआर लेवल्स में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग को देखा जा सकता है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर स्टॉक्स में आपको एक सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक्स में अपना ट्रेड जाके प्लान कर सकते हैं। हमारे पहले स्टॉक में यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड यहाँ पे आज देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे फर्दर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। इसके लिए आप 230 को एज ए लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जिसके नीचे स्टॉक में फिर से एक सेल ऑफ यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। तो स्टॉक जिसके बारे में बात करें वो है जिंदल स्टील, जिसने आज अपना 52 वीक हाई 248 पे बनाने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऑर्डर बुक से इस बात को कंफर्म किया जा सकता है और इवन आप इसके फ्यूचर लेवल से भी इस बात को जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो कल 230 के नीचे स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है और आप यहाँ पे 227 और 225 का जो टारगेट यहाँ पे सेल साइड में ले सकते हैं। अगला जो स्टॉक है इसमें भी आज सिमिलरली एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक डाउन साइड देखने को मिला और स्टॉक यहाँ पे करेक्ट करते हुए 600 के नीचे करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये कल 600 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे एक सेल ऑफ फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक है एक्सिस बैंक, जिसने आज 630 पे अपना हाई फॉर्म करने के बाद काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक से कल आपको एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है और इवन आप इसके फ्यूचर से भी इस बात को जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर कल ये आपको 600 के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे तो आप 595 और 592 का दो टारगेट यहाँ पे सेल साइड में प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल का ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे अपना फीडबैक एक लाइक और एक कमेंट की तरह जरूर दें, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपना ये वीडियो को पहुंचा पाएंगे। लिस्ट में जो तीसरा नाम है इसमें भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है और स्टॉक करेक्ट करते हुए अपने प्रीवियस सपोर्ट के लेवल के नीचे करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 510 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है, जिसके नीचे अगर स्टॉक कल सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक फार्मा स्टॉक के बारे में, जो है सन फार्मा। स्टॉक आज अराउंड 2.5% नीचे ट्रेड होने के बाद यहाँ पे 506 पे जाके क्लोज हुआ है, जिस लेवल पे कल आपको एक फर्दर डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सेल साइड में करंटली देखा जा सकता है और इवन इसके फ्यूचर लेवल से भी हम इस बात को जाके कन्फर्म कर सकते हैं। तो 510 के नीचे स्टॉक थोड़ा सा और वोलेटाइल है और इसमें आप 500 और 495 का दो टारगेट सेल साइड में कल प्लान कर सकते हैं। आखिरकार जो स्टॉक है इसमें भी आज एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क को देखा जा सकता है और स्टॉक करेक्ट करते हुए अपने इंट्राडे लो के काफी करीब जाके क्लोज हो रहा है। तो अभी के लिए स्टॉक आपको अगर 1050 के नीचे कल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे और इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक है UBL, जो कि एक लिक्वर बेचने वाली कंपनी है। स्टॉक आज अराउंड 2.33% के डाउनसाइड के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ और 1050 के नीचे स्टॉक में एक फर्दर डाउनसाइड यहाँ पे कल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस बात को आप यहाँ पे फ्यूचर लेवल से भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कल 1040 और 1030 तक दो टारगेट सेल साइड में देखने को मिल सकता है। और अगर आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस रिलेटेड कोई क्वेरी है, इसके लिए आप चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके एक वीडियो को चेकआउट करें, वहां पे आपको इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। 13,144 जो कि आज निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था, उस पे ट्रेड होने के बाद निफ्टी यहाँ पे काफी करेक्ट हुआ और बाद में हम इसे 12,958 पे जाके क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। अगर डेली कैंडल के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे काफी बड़ा एक ही दिन में प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है और वॉल स्ट्रीट में आज मार्केट थोड़ा सा वीक रहने के वजह से कल भी इसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वीकली और मंथली ऑप्शन चेन डेटा को अगर यहाँ पे कंसिडर किया जाए तो हमारे लिए
12,800 पे यहाँ पे अभी भी एक पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस लेवल पे अराउंड 39 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे हम इसे एक सपोर्ट की तरह कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर कल मार्केट थोड़ा सा बाउंस करता है तो हमारे लिए सबसे इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 12,800-900 का लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आपको निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल दिखाई देगा, तो आप नीचे के साइड में 12,800 को एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड पे हमारे लिए 12,900 काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि आज इस लेवल पे अराउंड 31 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देखा जा सकता है। तो हमारे लिए कल यही लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखें तो इसने भी काफ़ी दिनों के बाद 30,000 के लेवल को यहाँ पे आज ब्रीच किया, और बाद में इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली इसने 29,196 पे जाके अपना क्लोजिंग दिया है, जिसे यहाँ पे डेली कैंडल के बेसिस पे एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अगर कल ये 29,000 के लेवल को यहाँ पे सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहता तो आपको इसमें एक फर्दर डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके लिए अगर हम मंथली एक्सपायरी को यहाँ पे चेकआउट करें तो हमारे लिए यहाँ पे पुट साइड में 29,000 के ऊपर अराउंड 9.6 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई देगा, लेकिन इस लेवल पे हम एक पुट अनवाइंडिंग को देख सकते हैं। तो अगर कल ये लेवल टूटता है तो आपको यहाँ पे और भी बड़ा यहाँ पे करप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम इमीडिएट बेसिस पे इसे एक सपोर्ट की तरह कल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड पे हमारे लिए यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस 29,500 पे दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके लिए बैंक निफ्टी को 29,000 के ऊपर यहाँ पे ओपन होना होगा, और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको कल इसमें थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और तभी जाके हम 29,500 को अगला रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए कल आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होने की वजह से कल मार्केट आपको वाइल्ड स्विंग करता हुआ दिखाई दे सकता है, और इससे आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन करने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपके साथ मार्केट रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें आप रेगुलर रियल टाइम अपडेट्स भी पा सकते हैं। तो नीचे जाके उसे भी ज्वाइन करें। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।